में, अंधेरी अंधेरे, हर विसी तेरे राज में, अंधेरी अंधेरे, उसी चलो राम करो, विसी तो मैं काम करो, उसी चलो राम करो, विसी तो मैं काम करो, उसी चलो राम करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, मेरे नाम सनी डोगरा और मैं तुम्हें सारे की सुनाई देना चाहना कि जम्मू यूनिवर्सिटी आए दिन ऐसिया पॉलिसिया कटा दी है कि जेडे बच्चे नहीं बच्चे के खिलाफ है। देखो तुम भी सुनाओ जेडे जम्मू यूनिवर्सिटी ने नई पॉलिसी कटी जो 6 महीने का सैशन है इन्हें 2 महीने कवर करना, तुम भी सुनाओ ये किया पॉसिबल है कि जरा 6 महीने का सिलेबस इन्हें 2 महीने कवर करना, ये किया हो सकता कवर प्रोफेसरें को टीचरें को कवर नहीं होना 2 महीने के अंदर, जो 2 महीने अंदर कवर नहीं होगा तो अं पढ़ने को अं पढ़ गए नहीं तो यदा साफ साफ लगा कि फेल हो जाना, तो जम्मू यूनिवर्सिटी इयै चाहती है कि बच्चे फेल हो जा, जम्मू यूनिवर्सिटी इयै चाहती कि बच्चे फेल हो जा, बच्चे अगर हायर एजुकेशन नहीं ले पान ताकि जम्मू यूनिवर्सिटी या सरकारी और भी जिन्नी भी यूनिवर्सिटियां ने वो बंद हो जा, तो जी शिक्षा है जी एजुकेशन है वो प्राइवेट के हाथ चली जाग, तो फिर उजे ही होगा जिदे को पैसा होगा बच्चा पढ़ी जाग, तो अं गरीब या मिडिल क्लास के जो फैमिली के स्टूडेंट छात्र ने उन्हें कियां पढ़ना, ये परतियै 100 साल पहले वाला राज लैना चाहते कि कुछ समाज का कुछ तबका पढ़ी पाता हा, जिदे को पैसा है उजे पढ़ी पाग, जरा जिदे को पैसा नहीं है वो बेचारा अनपढ़ ले जाग, तो मैं थोड़े मीडिया के माध्यम नाल ये भी आखना चाहे देना चाहना, बड़े सारे सानू आखते कि आखते कि सानू कोई शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का, साढ़ा कोई इंट्रस्ट नहीं है, मैं तुम्हें सुना दिया कि सानू भी कोई शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन ये सरकार ये जम्मू यूनिवर्सिटियां ये सानू मजबूर कर दिया ने कि अं प्रोटेस्ट कर प्रोटेस्ट करिए, सानू मजबूर करते अं मजबूरी प्रोटेस्ट कराने सानू कोई शौक नहीं है, तो अं तुम मीडिया के माध्यम से सुनाई देना चाहते हैं कि अज का तुम दिखाने प्रोटेस्ट कराने निका प्रोटेस्ट है, लेकिन आने वाले दिन जो यूनिवर्सिटी ने ठोस कदम नहीं लिया या 2 दिन के अंदर अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं कड़ी तो ये कोई बड़ा प्रोटेस्ट होगा, और सिर्फ कठुआ कॉलेज नहीं हीरानगर कॉलेज सांबा कॉलेज आरएसपुरा कॉलेज रजौरी कॉलेज पुंछ कॉलेज सारे ही कन्नै रली मिलियै प्रोटेस्ट करके और बड़ा प्रोटेस्ट करके और ये जिम्मेदार यूनिवर्सिटी होगी। हमने आवाज़ उठाई है पहले हम सबसे पहले मेमोरेंडम दिया प्रिंसिपल को मेमोरेंडम दिया कि आप यूनिवर्सिटी भेजे, इन्होंने भेज दिया, हीरानगर कॉलेज वाले ने मेमोरेंडम दिया और सांबा कॉलेज वाले ने मेमोरेंडम दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोटे छोटे प्रोटेस्ट किए, अभी हमारे पास लास्ट चांस है कि हम प्रोटेस्ट करें, और हम जी सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सुधर जाओ, नहीं तो जो भी होना बड़ा खतरनाक होना थोड़े खतरनाक होना, अं बड़े दुखी आगे तुम भी सुनाओ जो भी होगा तुम्हें तो जम्मू यूनिवर्सिटी जिम्मेदार हो जाए। जो हमारा सिलेबस है अभी तक तो लगभग 2.5 यूनिट भी नहीं कंप्लीट हुए हैं, इसका जो अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगाए हुए हैं लाइट रहती नहीं है कॉलेज में और बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक है, जिसकी वजह से ना तो टीचर पढ़ा पा रहे हैं और ना ही हम पढ़ पा रहे हैं, और मेन जो है कि जब टीचर सिलेबस कंप्लीट करने पे आए हुए हैं तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि लाइट है या नहीं है, वो जैसे कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं एक टॉपिक का एक आधा क्वेश्चन करा के, तो पूरा जो सिलेबस है वो इकट्ठा करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो करा रहे हैं ताकि हम पूरा सिलेबस टच कर लें, सो दैट के बच्चों के बर्डन बढ़ जाए, बच्चे जैसे कैसे करके फिर वो चाहे फेल हो पास हो वो बच्चों के हाथ में, वो उनको मैटर नहीं करता कि बच्चे पास हो या बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी को मैटर नहीं करता, ये सिर्फ इनको यही चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और बच्चे जो हैं जो पास होने वाले बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी फेल हो, और इनको रिवाल्वेशन में हम दोबारा फीस देखिए जब भी रिजल्ट आता है आप देखोगे कि रिवाल्वेशन में बच्चे जो हैं जो ज़्यादा पास होते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें बच्चे कम पास होते हैं, वो ऐसा क्यों होता है बच्चों के देखो आप 17-17, 12-12 नंबर रिवाल्वेशन में बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं वो अगर आप चेकिंग अच्छी तरह से कर रहे हो तो बच्चे वो जो गरीब बच्चे हैं वो अगर जो अमीर बच्चा वो तो रिवाल्वेशन बढ़ा के अपने पास हो जाएगा, लेकिन जो गरीब बच्चा वो कैसे पढ़ेगा, वो कहाँ से रिवॉल्वेशन पड़ेगा, जो आज 300-350 रुपया जिनके पापा दिहाड़ी लगा के कमा रहे हैं हमारे बनी के जो बच्चे हैं इतने दूर से आ रहे हैं 300-350 रुपया किराया खर्च के, और इतने वो तो एक एक दिहाड़ी का मतलब अपनी एक एक दिन का जो किराया खर्च के आते हैं वो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, और फिर अगर जब रिजल्ट आता है तो उनको जो जब दोबारा रिपेयर होना आता है रिपेयर के लिए दोबारा फॉर्म लगाना पड़ता है, रिवॉल्वेशन के लिए दोबारा फॉर्म लगाना पड़ता है, और रिवॉल्वेशन की जो फीस है वो भी देखो कितनी है, और अब ऐसा करो अगर आप जो अगर आप चाहते हो कि रिवॉल्वेशन पुराना ही पुराना है बच्चों को ऐसा करो जो रिवॉल्वेशन पास हो रहे हैं उनकी फीस तो वापस कर दो, क्यों फिर ऐसे अगर आप अच्छा कर रहे हो अगर आपको यकीन है कि आप चेकिंग अच्छी कर रहे हो तो फिर